जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2020 के राशिफल की। जानेंगे कौन से कार्य आपको इस दिन करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, जिससे आप अपने इस दिन को बेहतर बना पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। बैसाख का महीना है। इस दिन चतुर्थी की तिथि शाम 7:01 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। अनुराधा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष का समय है। अब बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति की। तो दोस्तों, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। आज का शुभ समय शुरू होगा 12:03 से और समाप्त होगा 12:53 पर। अशुभ समय शुरू होगा 9:19 से और समाप्त होगा 10:53 पर। अशुभ समय में शुभ काम करने से बचना है, कोई बड़ा फैसला लेने से बचना है। शुभ समय में जो भी फैसले लेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का दिशा शूल पूर्व है। पूर्व दिशा की तरफ आज आपको यात्रा करने से बचना है। कुछ मामलों में आपका आज का दिन थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो कुछ मामलों में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक रहना होगा। शेयर और सट्टे से आज आपको नुकसान होगा। अगर आप आज के दिन कहीं पर भी निवेश करते हैं तो आपको नुकसान होगा, तो इसलिए आप कहीं पर भी पैसा ना लगाएं। ज्यादा जोश में आकर आप खुद का ही कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य करने से बचिएगा जिसमें आज आपका नुकसान होगा और किसी तरह से आपके मान सम्मान में कमी आएगी। किसी की चुगली आज करने से बचिएगा। लव लाइफ में इस समय बहुत ही ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए आज का दिन मामला अच्छा हो सकता है। कुछ रिश्तों के लिए बात छेड़ी जा सकती है। विवाद होने की स्थिति थोड़ी सी दिख रही है। आपके लव लाइफ में थोड़ी सी स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रेम का इजहार ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर दर्द और पेट दर्द से परेशान रहेंगे। आप भोजन पर ध्यान दें। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके फेवर में लोग कम ही रहेंगे और कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। पैसों की समस्या पहले से कुछ कम होने के योग हैं। आज आपकी स्थिति पैसों के मामले में सुधर सकती है। आज प्रॉपर्टी और स्टॉक मामले में आपके लिए कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा 3। आज के दिन सूर्य उदय से पहले आपको पीपल के वृक्ष में जल देना है और तेल का दीपक लगाना है। शनि चालीसा का पाठ भी कीजिएगा। आपके घर से परेशानियों का अंत होगा और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। कोई भी संकट आपके घर से दूर रहेगा। तो ये था मीन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2020 का राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।